दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने की जंग में तीन महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की फांसी को रोका जा सकता था। उस समय महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिनका अंग्रेज भी सम्मान करते थे। जब इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी दी जानी थी तब महात्मा गांधी से लोगों द्वारा आग्रह किया गया कि आप इन तीनों की फांसी को रोको, जिसके बाद इस काम को फॉर्मली अंजाम देने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। उस पर बस महात्मा गांधी का हस्ताक्षर करना था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। जब लोगों ने पूछा कि आपने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, तो गांधी जी ने इस पर बताया कि हम शुरू से ही इस राह पर अहिंसावाद को लेकर चल रहे हैं। मैंने अहिंसा को ही परम धर्म माना है। इस हिसाब से उन तीनों क्रांतिकारियों ने मेरी नजरों में एक बड़ी हिंसा को अंजाम दिया है, जिसे मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता। इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई।